ने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और आज कागजी खाना पूर्ति हो जाने के बाद अब संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में, जिस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, जिस मामले में के कविता की गिरफ्तारी हुई है, उसी मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब जो लोअर कोर्ट है उसने जमानत दी है। तो जमानत के कागजात लेकर के उनके वकील और उनके लोग जब तिहाड़ पहुँचे आज, तो अब जा करके वो सारी खाना पूर्ति हुई है। आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, संजय सिंह के समर्थक हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, तिहाड़ जेल जो दिल्ली में है उसके बाहर जमानत पर रिहा हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब जमानत पर रिहा होंगे तो आप इस केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। आपके पास इस बात की आज़ादी तो होगी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो रैली है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, चुनाव की तैयारियां हैं, इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, इन सब में आप अपने को शामिल कर सकते हैं, आप यह सारा काम कर सकते हैं, सिवाय इस शराब घोटाला के बारे में किसी तरह का बयान देने के। यानी कि यह मामला जिसमें कई तरह के गवाह हैं, कई तरह के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, न गवाह बदल सकते हैं, न साक्ष्य सबूत पलट सकते हैं आपके बाहर होने से। अगर केस को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं जैसी हैं आपके लिहाज से वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें आपकी तरफ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट के कहने का मतलब ये था कि आप बाहर जा कर के इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने और अपने मुताबिक अपना पॉलिटिकल करियर ऑप्ट करने के लिए। संजय सिंह सामने खड़े हुए हैं, कैमरे घूम रहे हैं, किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं और नीचे उनके समर्थक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। वो उंगली के इशारों से ये बता रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की मुखर आवाज़ हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद यह आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो नई दूसरी पीढ़ी है आम आदमी पार्टी की, ये तमाम तरह के नेता हैं।